और यदि आप कहें हम तो बोर हो गए स्वामी जी आप तो पिछले साल भी आए थे और दस दिन का प्रवचन दिए थे हम सुने थे आपको अब फिर से सुनना पड़ेगा क्या बिल्कुल सुनना पड़ेगा क्यों मजबूरी है बिल्कुल मजबूरी है इस मामले में हम सब लोग विवश हैं आत्मा की मजबूरी है क्योंकि जब तक हमारी आत्मा को भगवान का दिव्यानंद आनंद नहीं मिल जाएगा हम अपनी आत्मा को संसार का बड़े से बड़ा सुख देते जाए वो आत्मा यही निश्चय करेगी ये मेरा सुख नहीं है लेकिन हम तो हांगकांग चले गए और हम तो गोपालपुर समुद्र बीच में चले गए और विश्व घूम के आ गए वो तो ठीक है लेकिन मुझे फिर भी सुख नहीं मिला तो क्योंकि हमारी भूख नहीं मिटेगी संसार के सुखों से उस भूख को मिटाने के लिए हमें सही ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान का श्रवण फिर से करना होगा वेद कहता है आवृत्ति रसकृत उपदेशात जो वेद का उपदेश है उसकी आवृत्ति करो सुनते जाओ सुनने में बहुत लाभ है इसको कहते हैं श्रवण ये ज्ञान का पहला सोपान क्रम यानी पहली सीढ़ी इसके बाद फिर दूसरी सीढ़ी पर पहुंचिए सुन लिया अब दूसरी सीढ़ी पर आइए ये क्या है इसको कहते हैं मननम क्या मतलब मतलब जो सुना है अब उसका चिंतन कीजिए बार बार मन से सोचिए ये मैंने आज प्रवचन में क्या सुना था देखिए जैसे गाय भैंस होते हैं वो खेत में चारा चर लेते हैं दिन भर का चर लेते हैं फिर जाके बैठते हैं अपने पेट से निकाल के उसको चबाते हैं फिर दूसरे पेट में डाल देते फिर वहां से निकाल के चबाते हैं फिर तीसरे पेट में डाल देते ये गाय के पेट के पार्टीशन होते हैं तीन तो वो पहले का चरा हुआ चबाते रहते हैं ऐसे ही हमको ज्ञान के लिए करना है दो घंटे प्रवचन सुने और बाईस घंटे उसका मनन किए क्यों मनन करने से वो ज्ञान आपके अंदर स्थिर हो जाएगा और स्थिर होने से आपके काम आएगा वरना वो काम नहीं आएगा देखिए आपने सुना क्रोध एक दोष है काम लोभ ये सब दोष हैं। लेकिन जब माया का आक्रमण हुआ आप क्रोध कर बैठे बाद में पश्चाताप किए अरे ये क्या हो गया मैंने तो गुस्सा कर दिया ऐसी तो कोई बात नहीं थी उसने तो इतना ही बोला मैं बरस क्यों पड़ा और उसकी आयु भी मुझसे ज्यादा है मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्या हो गया था मुझे हो यह गया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए यह ज्ञान बुद्धि से निकल गया था तो हम गलती कर दी फिर जब ज्ञान आया तो पश्चाताप कर दिए अर्थात वो ज्ञान टिका रहे तब काम का है एक महिला ने आकर कहा स्वामी जी बाकी तो सब ठीक है लेकिन गुस्सा बहुत आता कोई ज्ञान बताइए ताकि हम गुस्से पर विजय प्राप्त कर लें गुस्सा माने क्रोध तो हमने कहा देवी जी देखो आप क्रोध से अपना नुकसान करते हो क्योंकि जब अंदर क्रोध रखते हो आपका अंतकरण गंदा होता अपने मन को गंदा किया जाता है क्रोध से करते हो दूसरे के प्रति नुकसान अपना होता और वो गंदे विचार से शरीर की हानि होती खून जलता है स्वास्थ्य की हानि होती अब अपना नुकसान क्यों करे कोई अगर हम आपको एक सुई दे दें और कहें अपने अंदर चुभो आप कहेंगे भी ऐसा तो नहीं करना चाहिए अपनी हानि कोई नहीं करेगा तो फिर आप क्रोध को धारण करके अपनी हानि क्यों कर रहे हैं महिला ने कहा स्वामी जी ये तो आप बढ़िया ज्ञान बताए हमने कहा लेकिन आपके काम नहीं आएगा क्यों क्योंकि जब क्रोध जागृत होगा ये ज्ञान निकल जाएगा और आप क्रोध कर बैठेंगे तो वो ज्ञान को हमें साथ में बनाए रखना है तब कोई बात बने शास्त्र कहते हैं तत्व विस्मरणा भे वत जिस दिन मनुष्य तत्व ज्ञान का विस्मरण करता है जिस क्षण उसी क्षण वो मनुष्य पशुतुल्य बन जाता अर्थात मानवता इसमें है कि हम ज्ञान को बनाए रखें विवेक को धारण करें ये सत्य ये असत ये सही आचरण ये दुराचरण ये ज्ञान को हम बनाए रखें एक ऐसी कथा है हम एक बार आप लोगों को बताए थे भारतीय इतिहास की कथा एक शक्तिशाली राजपूत राजा हुए राजा भोजराज तो महाकवि कालिदास उनके दरबार में बैठते थे राजा भोजराज विद्वानों का खूब सम्मान करते थे तो राजा साहब के राज्य में एक पंडित जी थे खूब विद्वान थे लेकिन जब वृद्ध हुए तो गरीब हो गए अब वो गरीबी का कष्ट उनकी ऊपर आया अपनी बेटियों का विवाह कराना था ये सब बोझे से पंडित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनको धन चाहिए था उन्होंने कहा अब कहां से हासिल करें चोरी की जाए कहां से चोरी करेंगे राजा भोज के महल में ही पहुंचते हैं बड़ी रकम निकाल लेंगे तो पंडित जी दर्शनार्थियों के साथ घुल मिल के राजा के महल के अंदर पहुंच गए दरबारी लोग थे दर्शनार्थी थे शाम को लोग वापस जाने लगे ये पंडित जी कोई फर्नीचर के पीछे जाके छिप गए आधे घंटे में दरबार में सन्नाटा छा गया केवल बाहर गार्ड लोग थे पंडित जी ने कहा अब मैं अकेला हूं पता लगा ये राजा का खजाना किधर है तो उनको सोने के बिस्किट मिले उन्होंने कहा इसको उठाए किंतु जब उठाने वाले थे अचानक उनके सामने ज्ञान आ गया मैंने तो पढ़ा था शास्त्राध्ययन के समय कि सोने की चोरी पांच महापाप में एक है अगर मैं ऐसा करूंगा तो गरुड़ पुराण ने कहा था कि तुमको रौरव नरक मिलेगा गरुड़ पुराण में उनतीस प्रकार के नरकों का वर्णन है उसमें एक है रौरव नरक तो सोने की चोरी से मुझे रौरव नरक मिलेगा पंडित जी को याद आ गया उन्होंने कहा न बाबा ऐसा मैं नहीं कर सकता तो बिस्किट को वहां पर छोड़ दी उन्होंने कहा चलो पता लगाए कि ये हीरे जवाहरात कहां पे अब हीरे जवाहरात का खजाना भी उनको मिल गया उसे उठाने के लिए आगे बढ़े अचानक फिर से ज्ञान सामने आ गया मैंने तो सुना था कि हीरे ज्वार्वारा चोरी करने से कुंभी पाक नरक मिलेगा एक अन्य प्रकार का नरक ऐसा भी नहीं करना चाहिए अब वो जहां आगे बढ़े ज्ञान की स्मृति हो जाए और वो दुराचार के लिए आए थे कर नहीं पाए केवल ज्ञान के स्मरण से ज्ञान के विस्मरण से वो चोरी के स्तर पर उतर आए थे और ज्ञान के स्मरण से पाप करने से बच गए तो पंडित जी ने कहा भाई चलो ठीक है अब हमसे चोरी फोरी तो होती नहीं निकलो महल से जब निकलने के लिए बाहर गए वहां पर गार्ड लोग खड़े थे अब राजा बहुत शक्तिशाली राजा थे उतना ही उनका बड़ा पहरा था बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं पंडित जी ने कहा रात भर यहां पर बिता देते हैं कहीं छिप के दिन में तो चहल पहल होगी और घुल मिलके हम बाहर चले जाएंगे तो कहां पर रहे सुरक्षित रात भर उनने का सबसे सेफ स्थान तो राजा भोज का बेडरूम है वहां किसी की हिम्मत नहीं होगी जाने तो घुस गए राजा भोज अपने खाट पर लेटे हुए पंडित जी खाट के नीचे जाके लेट गए कि यहां तो कोई पहरेदार नहीं आएगा खोजने के लिए अब कुछ घंटे बाद सवेरा होने लगा तो तरीका था राजाओं को जगाने का उनकी ठाट होती थी तो ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिए संगीतकार वाद्य बजाने लगे महिलाएं नृत्य करने लगी हाथी आके चिंगाड़ने लगे ये सेरेमनी प्रारंभ हुई तो राजा भोज वो सुषुप्ति से स्वप्न अवस्था से जागृत में आने लगे उन्होंने थोड़ी अंगड़ाई ली जमुआई ली तो अचानक उनको ख्याल आया मैं कितना सौभाग्यशाली हूं मुझे जगाने के लिए हाथी चिंघाड़ रहे हैं ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं महिलाएं नृत्य कर रही हैं संगीतकार वाद्य बजा रहे हैं तो राजा भोज एक श्लोक की रचना करने लगे विद्वान तो वे भी थे सुनते सुनते ही कोई विद्वान बन जाता तो उन्होंने पंक्तियों की रचना की चे तो हरा युवत सुरदो अनुकूला प्रणय गर्भ भृत्या दंती निवास तरलास्तरंगा तीन लाइनें बोल दे। मेरे इतने खजाने इतने हाथी इतने घोड़े चौथी लाइन के लिए अटक गए कुछ समझ में ना आए चौथी लाइन क्या बोले तो फिर से पहली लाइन से प्रारंभ किए और फिर अटक गए नीचे से पंडित जी सुन रहे थे तो पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे कि ये राजा ऐसा भोंदू भट्ट है कि संसार के नश्वर चीजों पे विभोर हो रहा तो तीसरी बार जब राजा ट्राई करके रुके पंडित जी से रहा नहीं गया अब वे प्रकांड विद्वान तो थे ही एक पंक्ति जोड़ना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था तो नीचे से बोल दिए सम्मिलने नये नये और न ही किंचित अस्थि वो तो सब ठीक है राजा साहब लेकिन जब अंत काल में आंख बूंदोगे तो नहीं किंचित अस्थि साथ में कुछ नहीं जाएगा हाथी घोड़े खजाने स्त्रियां ब्राह्मण सब यहीं पे रह जाएंगे अब ये जब आवाज राजा ने सुनी खाट के नीचे से तो सोचिए राजा साहब तो चौक गए मैंने तो सोचा मैं कमरे में अकेला था और यह आवाज कहां से आ गई क्या भगवान को ही आकाशवाणी कर रहा इतनी मार्मिक वाणी की साथ में कुछ नहीं जाएगा सब धरा रह जाएगा लेकिन अगर भगवान की आकाशवाणी होती कभी कभी नारद जी के लिए कर दिए थे में, तो आकाशवाणी कहां से होती भगवान ऊपर से बात करते हैं ना ऐसा हम लोग मानते हैं। अरे ये आवाज तो नीचे से आई है क्या ऐसा है कि पातालवाणी प्रारंभ हो गई अब तो राजा डरे उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया देखो ये आवाज कहां से आ गई पंडित जी ने कहा अब तो मैं पकड़ा गया बोल के फंसा इसके बजाय कि वे मुझे निकाले घसीट के हम इज्जत निकले तो पंडित जी ने अपना सिर बाहर किया राजा ने कहा आप महाराज मैं आपके देश का जाना माना विद्वान हूं लेकिन क्या करें वो गरीबी का कष्ट ऐसा था कि सब मेरा ज्ञान निकला और मैं चोरी करने के लिए आपके महल में आया था किंतु जब चोरी का प्रयत्न किया तो ज्ञान सामने आता गया और वो दुराचार मुझसे नहीं हुआ तो मैं आके यहां छिप गया तो राजा ने कहा भाई तुम तो बड़े सत्यवादी हो तुमने कबूल किया लेकिन तुमने जो ज्ञान दिया जो पंक्ति जोड़ दी वो पंक्ति बड़े गजब की थी कि साथ में कुछ नहीं जाएगा सम्मिलने नये और नहीं किंच मुझे तो वैराग्य हो गया फिर क्या इतना परिश्रम करें इकट्ठा करने के लिए साथ में कोई जाएगा ही नहीं तुम तो मेरे गुरु निकले राजा ने उसे तमाम पुरस्कार दिए धन दिया बेटियों की शादी की व्यवस्था कराई लेकिन देखिए ज्ञान के स्मरण ने और ज्ञान के विस्मरण ने उसी पंडित में कितना बड़ा अंतर करा दिया तो अगर हम सत मार्ग में चलना चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भगवत ज्ञान को हमें स्मरण में रखना है केवल सुनना नहीं है साथ रखना है और कैसे साथ रखेंगे बार बार उसका चिंतन करने से रिविजन करने से जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते रट लेते हैं हमारे भारतीय ज्यादा एक्सपर्ट हैं रटने में अमेरिका में हर स्कूल कॉलेज में जो टॉपर लोग हैं सब भारत के भारतीयों के बच्चे रटने में एक्सपर्ट है ना तो हम लोग संसार के ज्ञान के लिए रट लेते हैं मेहनत करते हैं सब बच्चे करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में, में किसी ने रट्टे लिए वहां पे हम लापरवाही करते सुन लिया अरे स्वामी जी हम आपको सुन लिए थे